नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए लगातार कवायद चला रहे हैं और आगामी 23 जून को पटना में विपक्षी एकता का महाजुठान होना है। केंद्रीय कई नेता जो हैं वो इसमें पधारेंगे। केंद्रीय पार्टियों की हम इसलिए बात कर रहे हैं कि कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है उनके भी नेता पटना आने वाले हैं। और मौजूदा समय में बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी दोनों को आने की संभावना है। उससे पहले आप वीडियो और तस्वीरों में देखिए किस तरीके से राजधानी पटना जो प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम उसका रंग रोगन किया जा रहा है, उसकी सड़कों को चमकाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। वीडियो में देख रहे होंगे किस तरीके से पेंटिंग का कार्य किया जा रहा है, प्रदेश कार्यालय को सजाया जा रहा है, साथ ही साथ सड़क को भी बनाया जा रहा है। देख रहे हैं आप किस तरीके से रोलर मशीन सड़क पर मौजूद है, किस तरीके से सड़क को बनाने के लिए कर्मी लगे हुए हैं। आप वीडियो में देख रहे हैं किस तरीके से कर्मी सड़क में पानी देने का काम कर रहे हैं। यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से पहले, पटना पहुंचने से पहले, विपक्षी एकता को मजबूती देने से पहले सदाकत आश्रम में कांग्रेस ने सभी तरह की तैयारियों को शुरू कर लिया है ताकि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के आने के बाद सदाकत आश्रम में किसी भी प्रकार की कोई कमो बेसी नजर नहीं आए। तो दूसरी तरफ विपक्षी एकता में क्या कुछ निकल कर आएगा, क्या कुछ होना है, ये सब को लेकर कांग्रेस हर तरह की पहलुओं पर नजर रख रही है। साथ ही साथ अपने आगामी एजेंडा को कैसे 2024 में भाजपा के खिलाफ एक मजबूती के साथ यूनिटी एकता को बनाया जाए और 2024 में अपने नेता यानी राहुल गांधी को सत्ता के रूप में विराजमान किया जाए। तो सदाकत आश्रम का वीडियो मैंने आपको दिखाया है, आप देख रहे थे किस तरीके से सदाकत आश्रम को मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के पटना आने से पहले विपक्षी एकता के मीटिंग में शामिल होने से पहले कैसे चमकाया जा रहा है, कैसे प्रदेश कार्यालय को सजाया जा रहा है, सजाने का काम किया जा रहा है। खास करके पेंटिंग के वीडियो आप देखिए, तस्वीर देखिए किस तरीके से पेंट किया जा रहा है। सड़क जो टूटी फूटी थी, जो कई महीनों से सालों से इंतजार में थी कि आज बन जाए कल बन जाए, लेकिन जैसे ही पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता राहुल गांधी के आने का सूचना मिली, सब कुछ सही तरीके से सजाया जा रहा है, बनाया जा रहा है ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने के बाद प्रदेश कार्यालय में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रह जाए। तो आपने वीडियो देखा है सदाकत आश्रम की, कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय की, किस तरीके से प्रदेश कार्यालय में विपक्षी एकता के मीटिंग से पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के स्वागत के लिए पार्टी कार्यालय को तैयार किया जा रहा है। आप इस वीडियो के बारे में, तस्वीर के बारे में वीडियो और खास करके विपक्षी एकता के बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर पहुंचाइएगा। दूसरी खबर के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।